हेलो दोस्तों, इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे स्केच पैटर्न में लीनियर पैटर्न क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा, तो हम टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। स्केच पैटर्न टू टाइप्स का होता है, लीनियर स्केच पैटर्न और सर्कुलर स्केच पैटर्न। यहाँ पे लीनियर स्केच पैटर्न कमांड का आइकन दिया गया है, इसके बगल में एक छोटा सा आइकन है, इस पर क्लिक करें तो लीनियर स्केच पैटर्न और सर्कुलर स्केच पैटर्न। आज हम लीनियर स्केच पैटर्न सीखेंगे। पैटर्न करने के लिए हमें स्केच बनाना होगा, तो हम रेक्टेंगल कमांड की मदद से एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। लीनियर स्केच पैटर्न डायरेक्शन वन में एक्स एक्सिस और डायरेक्शन टू में वाई एक्सिस। पहले हम एक्स एक्सिस में देखते हैं। नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, एंटिटी टू पैटर्न वाले बॉक्स पर क्लिक करें और स्केच सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न के बीच का गैप देना होगा, तो हम यहाँ पे 80 mm एंटर। डायमेंशन एक्स स्पेसिंग, अगर आप इस पे टिक रखेंगे तो डायमेंशन शो करेगा। दूसरा नंबर ऑफ पैटर्न कि आप कितना पैटर्न करना चाहते हैं, जैसे हम 5 करना चाहते हैं, 5 एंटर। तो देखिए 5 हो गया। डिस्प्ले इंस्टेंस काउंट, अगर आप इस पे टिक रखेंगे तो ये यहाँ पे शो करेगा कि कितना नंबर ऑफ पैटर्न हुआ है। हमने पैटर्न तो कर लिया, पर हमें इस पैटर्न में से एक पैटर्न रिमूव करना है, तो हम उसके लिए नीचे जाएंगे और एक ऑप्शन है इंस्टेंस टू स्किप, इस पर क्लिक करेंगे और इस बॉक्स में क्लिक करेंगे। अब आप जो भी पैटर्न को रिमूव करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, जैसे हम इसे रिमूव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ओके कीजिए। तो देखिए ये डायमेंशन 80 mm, ये नंबर ऑफ काउंट्स 5 था, पर हमने लास्ट में एक रिमूव कर दिया। अब देखेंगे वाई डायरेक्शन, इसे ऑन डू कीजिए। लीनियर स्केच पैटर्न, इसे वन कीजिए। नंबर ऑफ काउंट्स, इसे 2, 3, 4। स्केच सेलेक्ट कीजिए। एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न के बीच का गैप 50 mm एंटर। नंबर ऑफ काउंट्स 5। आप चाहें तो इसे डायमेंशन को शो कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे हाइड ही रखेंगे। नंबर ऑफ काउंट्स, इसे भी हम हाइड रखेंगे, तो अनटिक कर देंगे। यहाँ भी आप पैटर्न में से किसी को रिमूव करना चाहते हैं तो इंस्टेंस टू स्किप पे क्लिक करें और इस बॉक्स पे क्लिक करें। अब आप जिसे भी रिमूव करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें, जैसे हम इसे रिमूव करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, ओके कीजिए। तो देखिए ये हमने डायमेंशन वहाँ पे अनटिक कर दिया था, तो ये डायमेंशन भी नहीं शो कर रहा है और कितना नंबर ऑफ काउंट है ये भी नहीं शो कर रहा है। एक हम
दूसरा एग्जाम्पल से देखेंगे। एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, लीनियर स्केच पैटर्न, स्केच सेलेक्ट कीजिए। थ्री फोर फाइव, पैटर्न का गैप डायमेंशन 50 mm, एंटर, और इसे बढ़ाएंगे 100 mm, एंटर, और भी बढ़ाना होगा 300 mm, एंटर, 320 mm, एंटर, 350 mm, एंटर, 400। इसे अनटिक कीजिए और इसे हम 30 डिग्री पे पैटर्न करेंगे। दूसरा वाई डायरेक्शन 2 3 4, इसका गैप दीजिए 400, एंटर, 120 डिग्री, एंटर। अगर आप कोई भी पैटर्न को रिमूव करना चाहते हैं तो इंस्टेंस टू स्किप इस पे क्लिक करें और इस बॉक्स में क्लिक करें। अब आप जिसे रिमूव करना चाहते हैं, जैसे हम इसे रिमूव करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। ओके कीजिए। तो ये रिमूव हो गया। यह था लीनियर स्केच पैटर्न। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।